गुजरात दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में उत्तरायण पतंग महोत्सव कार्यक्रम में जमकर की पतंगबाजी। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर भी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, पूजा अर्चना करके भगवान से मांगी खुशहाली की दुआएं। जगन्नाथ मंदिर में दिखा अमित शाह का भक्तिमय अंदाज, गजराज को गन्ना और केला खिलाकर लिया आशीर्वाद। गांधीनगर के कपिलेश्वर महादेव मंदिर के दरबार में अमित शाह पहुंचे, विधि विधान के साथ की पूजा। अहमदाबाद में कल अमित शाह कई विकास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज देश मना रहा मकर संक्रांति का त्योहार, भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए लाखों की तादाद में उमड़े श्रद्धालु, ठंड पर आस्था दिखी भारी। प्रयागराज में भी संगम तट पर उमड़े श्रद्धालु, आस्था की लगाई डुबकी। हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर कर रहे श्रद्धालु स्नान, बड़ी तादाद में उमड़े भक्त। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा सागर मेले में उमड़े श्रद्धालु, मकर संक्रांति के मौके पर लगाई डुबकी। कोलकाता के बाबू घाट पर उमड़े श्रद्धालु, मकर संक्रांति के मौके पर लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में 15 जनवरी को मनाया जाएगा मकर संक्रांति स्नान का पर्व, 15 तारीख को ही लगेगा रामलला को खिचड़ी का भोग। वडोदरा के बाजारों में दिखी पतंग उत्सव की धूम, पतंग खरीदने के लिए लोगों की तादाद। सूरत में दिव्यांग पतंग उत्सव का आयोजन किया गया, भारी तादाद में लोग हुए शामिल। सीबीआई की छापेमारी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, कहा मेरे घर और दफ्तर पर पहुंची सीबीआई, अब तक कुछ ना मिला है और ना ही मिलेगा। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन, लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अचानक सेहत बिगड़ी थी। जालंधर से सांसद थे संतोष सिंह चौधरी, भारत जोड़ो यात्रा में लाधोवाल के करीब आया था हार्ट अटैक। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे सांसद संतोष सिंह चौधरी, सेहत बिगड़ने पर एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल। राहुल गांधी भी संतोष सिंह के साथ पहुंचे थे फगवाड़ा अस्पताल, इलाज से पहले संतोष चौधरी का हुआ निधन। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी के निधन के बाद फिलहाल रोकी गई भारत जोड़ो यात्रा। वो बाई चांस उनको हार्ट अटैक आ गया है और ये दुखद घटना है और हम सब उसे अफसोस में हैं। ऐसा है, एज फैक्टर भी है और सर्दी भी है, तो ये नेचुरल एक ऐसा सिस्टम बन गया कि वो उनकी डेथ हो गई। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट कर जताया दुख, आत्मा की शांति की दुआ मांगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा संतोष सिंह चौधरी के निधन की खबर से सदमे में हूं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सोनिया गांधी ने संतोष सिंह चौधरी के निधन पर जताया दुख, कमलजीत कौर को भेजा शोक संदेश। जोशीमठ में मौसम साफ होते ही होटल को गिराने का काम फिर से शुरू, मलारी होटल की तोड़ी गई छत। जोशीमठ होटल माउंट व्यू और मलारी के बाद दो अन्य होटल आपस में चिपकने लगे, होटल मालिकों ने खाली किए होटल, पड़ रही दरार। जोशीमठ त्रासदी के बाद भी तपोवन में जारी है पहाड़ों की कटाई का काम, बड़े बड़े ड्रिल हैमर मशीनों का इस्तेमाल हो रहा। मध्य प्रदेश के आंकमऊ पहुंचा शरद यादव का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन को पहुंच रहे लोग। दिल्ली की झुग्गियों को हटाने के लिए डीडीए का नोटिस, बीजेपी मुख्यालय के बाहर आपका प्रदर्शन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर जवानों की रिहर्सल। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। गंगा सागर मेले में भव्य आरती का आयोजन किया गया, महंत ज्ञानदास जी महाराज ने की गंगा आरती। गोरखपुर महोत्सव में गायक सोनू निगम ने बांधा समा, संगीत में हुआ शहर। भागलपुर के वृद्धाश्रम पहुंची साउथ फिल्म अभिनेत्री संचिता बसु, बांटे कंबल और गर्म कपड़े।
ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स ने लूटी महफिल, लॉन्च की एल्युमिनियम टेक्नोलॉजी की कार। ऑटो एक्सपो में पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, एथेनॉल पवेलियन का उद्घाटन किया। श्रीनगर में डल झील के संरक्षण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, युवाओं ने मार्च निकालकर लिया कार्यक्रम में हिस्सा। तेलंगाना सरकार की सराहनीय पहल, अल्पसंख्यक छात्रों को दी जा रही निःशुल्क शिक्षा। कोच्ची में एक युवा ने किया कमाल, 10 साल की उम्र में शुरू किया एरो मॉडलिंग, अब लोगों के व्यवसाय का बना जरिया। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिकारी पक्षियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक। मुंबई में भाईखला जेल प्रशासन की सराहनीय पहल, कैदियों और पुलिस अधिकारियों के बच्चों के लिए शुरू किया क्रेच की सुविधा, जहां बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। बरेली में उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मेले में शिरकत की। तिरुवनंतपुरम के दिव्यांग बच्चों का अजब सा कारनामा, दुबई में अपनी कला का करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली में ऑटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली में फिक्की सम्मेलन का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया विज्ञान भवन में कार्यक्रम में शामिल हुए, लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। सुरेंद्रनगर पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रखी नींव। अहमदाबाद को सीएम भूपेंद्र पटेल की सौगात, सरकारी आवासों का किया उद्घाटन। शिमला में पुलिस की सराहनीय पहल, सड़क से बर्फ हटाकर गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस के लिए साफ किया रास्ता। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेना प्रमुख, पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर जवानों को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु की त्रिची जेल में कैदी कर रहे गन्ने की खेती, जेल की 2 एकड़ जमीन के जरिए कैदी बन रहे आत्मनिर्भर। राजस्थान पेपर लीक मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन, गिराया जा रहा मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण का घर। आगरा पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ग्राम चौपाल अभियान में शिरकत की। चेन्नई में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने मनाया पोंगल उत्सव, अपने आवास पर मनाया त्योहार। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश खेल महोत्सव में लिया हिस्सा। मोतिहारी में प्रशांत किशोर ने उठाया बिहार के भ्रष्टाचार पर सवाल, कहा पीएम योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले अनाज में कटौती होती है। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने जिले के व्यापारियों उद्यमियों के साथ बैठक की, कारोबारियों ने उन्हें जीएसटी से जुड़ी दिक्कतों के बारे में बताया। हल्द्वानी में जोशीमठ के लोगों के लिए लोगों ने शिव मंदिर में किया पूजन हवन, सबकी सलामती के लिए कामना की। पश्चिम बंगाल में चल रहे दीदी का सुरक्षा कवच कार्यक्रम में पहुंचे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, डोर टू डोर जाकर किया अभियान। शाहजहांपुर की जेल में बंदियों ने ढोल नगाड़े बजाकर धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्यौहार, महिला बंदियों ने किया डांस। भोपाल में लोगों ने दिल खोल कर मनाया लोहड़ी का जश्न, आग जलाकर डांस करते दिखे महिला और पुरुष। झालावाड़ के मगलपुरा स्थित गुरुद्वारा के सामने मनाया गया लोहड़ी का पर्व, खुशी में झूमते दिखे गए लोग। चंडीगढ़ में लोगों ने धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्यौहार, अलाव के आसपास डांस करते दिखे लोग। लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में भी लोहड़ी के जश्न में डूबे दिखे लोग, डांस करके मनाया त्योहार।